हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रमोद ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं शाम का टाइम आया हूँ, जैसे थोड़ा काम था तो मैं आ नहीं पाया था, लेकिन भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। दोस्तों, मेरे को पहले ये मालूम नहीं था कि ये लोग इतना भी माल लेके आते हैं। देखिए आ गया, ये कितना फ्रेश है और पूरा गाड़ी लेके आया। जैसे कि मैं बताया था, ये मार्केट जो है सुबह का है, तो इन लोग का बात ऐसा है, सुबह का बिजनेस होता है 11-12 बजे तक, फिर उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है। शाम का टाइम ये माल को छटाई करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए ये माल को छटाई करके उसका रेट लगाते हैं, क्योंकि अगले दिन के लिए इजी हो जाए। पूरा माल आया है भाई, फुल मारा, फुल गाड़ी, एक गाड़ी माल आया है, देख सकते हैं। यहाँ पे छाटा जा रहा है, फुल फ्रेश है। जिसको भी चाहिए ये नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, है ना। जिसको भी चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। ये फुल गाड़ियाँ हैं, यही है ना आपका दुकान है, SM फ्रूट मंडी। ये भाई साहब इनका देखिए, ये भाई साहब का SM फ्रूट मंडी है, और उनका नंबर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देख लीजिए। जिसको भी चाहिए इनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। आज मैं शाम का टाइम आया हूँ, थोड़ा काम था तो इसलिए नहीं आ पाया था। देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब का, ये गाड़ी पूरा आया है, एक अनलोड हो रहा है और ये छटाई का काम हो रहा है। फल बड़ा छोटा जो ख़राब हो गया है उसको निकाल के वो सेपरेट कर देते हैं। उसका क्या रेट है? इसका 40 रुपये। वो वाला उधर जो है, वो कांत के पास उधर, और ये वाला नहीं, जिसको 1 क्विंटल 2 क्विंटल चाहिए उसका ही रेट है। जो टोन का वही लेगा, जैसे 1 टोन से ज्यादा लेगा तो उसका क्या रेट रहेगा? वो सेम रहेगा कि थोड़ा कम हो जाएगा? जो रेट देखिए भाई इनका, तो हम उनका बात करा दिए हैं, वो रेट भी बता दिए हैं। जिनको भी चाहिए ये दुकान देख लेता हूँ, SM फ्रूट मंडी, तो उनका मोबाइल नंबर ही है, आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। कुछ दुकान वाला भाई साहब, आपको भी डाउट हो रहा होगा कि कई दुकान वाला को उनका नाम पूछता हूँ तो एड्रेस, तो ये बोलते C18B15। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कि ये सेग्रीगेशन किया जाए सेक्टर वाइज, तो ये सेक्टर वाइज है, तो इसीलिए C18C15 बोल देते हैं। और बेंगलोर का जो है ये सिंगेना आगराहरा हुस्कुर गेट का फ्रूट मंडी है, तो कोई भी आके C18C15 ब्लॉक बोल देगा तो ये समझ जाते हैं, ये डायरेक्ट दुकान वाला के पास पहुंचा देंगे। तो इसीलिए ये C18B15 जो भी है उनका सेक्टर वाइज उसका बोल देते हो। जो भाई साहब वीडियो देख के कॉमेंट कर रहे हैं उनको हमारे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गुरुत्वपूर्ण है। कमेंट देखने के बाद माइंड पूरा खुश हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है वीडियो बनाने के लिए। भाई साहब यहाँ पे छोटाई हो रहा है, ये जो छोटाई कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहा है? देखिए सामने जो स्टोर है रेशमा बेगुन एंड सॉन्स, ये इनके लिए ये सब लोग काम कर रहा है, छटाई चल रहा है, छट के इस ट्रे में रख रहे हैं, क्योंकि कल के लिए रेडी कर रहे हैं माल। छोटा बड़ा छट के रखेंगे तो कल के लिए ये इजी हो जाएगा। भाई साहब जितना भी रेट बताया मैं आज, 30 रुपया 40 रुपया 60 रुपया, जो भी जितना भी रेट बताया आज के लिए मतलब आज शाम के लिए है ये, और कल सुबह भी रहेगा। आज का डेट बताता हूँ, आज का है 26 फरवरी, और आज का डेट ये फिक्स हो गया, क्योंकि ग्राहक का आने के बाद गाड़ी अवेलेबल हो जाता है, तो इसका रेट ये जोड़ के रख देते हैं। तो कल के लिए 27 सुबह के लिए बेचने के लिए, और बाद में इसका रेट कितना हो जाएगा भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जो आज बताते 26 का ये वीडियो बना रहा हूँ शाम, तो 26 का ये रेट रहेगा। छांटने के बाद देख सकते हैं भाई यहाँ पे ला के रख लाए, क्वालिटी का हिसाब से वो छोटा बड़ा मीडियम जो भी हो, जो ख़राब हो गया है वो निकाल दे रहा है छांट के, क्योंकि जो भी कस्टमर ग्राहक ले खरीद के उसको ख़राब वाला ना पड़े, उसका नुकसान ना आए, तो इसलिए छटाई हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो क्वालिटी है थोड़ा सा ये बड़ा साइज है, लेकिन क्वालिटी इतना चमक नहीं रहा है, और ये तो ठीक ठाक है लेकिन चमक नहीं रहा है। लेकिन इसका जो रेट है भाई, इसका जो रेट है ये 70 रुपया है, ये बड़ा साइज है, क्योंकि देख सकते हैं ये 70 रुपया का है। ना इसका क्या रेट जो वाला है, ये थोड़ा सा कम रेट का है, ये 60 रुपया वाला है, और वहाँ पे देखिए ये गाड़ी अनलोड हो रहा है। शाम का टाइम आने का फायदा यही है कि ये लोग जो भी काम करते हैं पता चल जाता है पूरा, मेरे को इतना भी आइडिया नहीं था, मालूम तो था पहले, लेकिन वो भी यहाँ आने का बाद
पूरा पता चल गया। किसान के पास जो भी लेके आते हैं ये, जैसे ही वो फार्मर का खेती ले लेते हैं बीज में, फिर उसका छटाई करके ये रेट अलग अलग लगाते हैं।